नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आपका स्वागत है और अब खबरों को देते हैं विस्तार। डबरा की नवीन कृषि उपज मंडी प्रांगण में सरकार की जय किसान फसल ऋण माफी योजना के फसल ऋण माफी एवं किसान सम्मान पत्र कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन की महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती सुमन देवी ने यहाँ किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफी के प्रमाण पत्र वितरित किए। यहां आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी द्वारा सत्ता में वापसी के लिए किसानों का 2 लाख का फसल ऋण माफ करने के लिए प्रमाण पत्र भरवाए गए थे, जिसके बाद किसानों के खातों में राशि भेजी जा रही है। कहीं कर्ज माफी की बात तो इसी मंडी में हमारे सम्माननीय राहुल गांधी जी और श्रीमान ज्योतिराव सिंधिया जी ने यह घोषणा करी थी कि 10 दिन के अंदर हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। तो जिस दिन कमलनाथ जी की भोपाल में उनने अपना पद ग्रहण करा था, उसके 2 घंटे बाद मंच पे से उतर के कर्ज माफी का उनने शान किए थे किसानों के। 10 दिन तो बहुत हुए हैं, मैंने 2 घंटे ही में किसान। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में विद्युत की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए डबरा में नवीन 33x11 kV उपकेंद्र का महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने विधि विधान एवं पूजा अर्चना कर शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ की जमकर तारीफ की और उन्होंने कहा कि उपकेंद्र बनने से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आ रही लो वोल्टेज एवं बार बार ट्रिपिंग की समस्या से क्षेत्रवासियों को निजात मिलेगी। ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय द्वारा गुरुवार 28 फरवरी को दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने की, वहीं प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी, पद्मश्री उमा तुली एवं विश्वविद्यालय की कुलपति संगीता शुक्ला विशेष रूप से मौजूद रहीं। दीक्षांत समारोह में 52 लोगों को गोल्ड मेडल दिया एवं 300 छात्र छात्राओं ने डिग्री हासिल की। ये प्रत्येक विश्वविद्यालय के बड़े गौरव की बात होती है कि उनके यहाँ दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाता है। ये जितने छात्र छात्राएं जो डिग्री प्राप्त करते हैं पिछले एक वर्ष में सेक्शन सत्र में, उनको सबको डिग्री प्रदान की जाती है, जिसमें आज के जो डिग्री जो कार्यक्रम है उसकी हमारे जो अध्यक्षता करेंगी माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल महोदय आनंदीबेन जी करेंगी, उनके साथ जो है हमारे उच्च शिक्षा मंत्री श्री जीतू पटवारी जी रहेंगे मामले, और उनके साथ ही हमारे पद्मश्री उमा तुली जी हैं, उनको वो दीक्षांत भाषण देंगी। और इसमें लगभग 300 छात्र छात्राएँ डिग्री प्राप्त करेंगे आज, और 52 गोल्ड मेडल प्राप्त करेंगे, और उन जो छात्र डिग्री प्राप्त करेंगे निश्चित रूप से उनके गौरव की बात है और वो अपने आपको गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमें दीक्षांत समारोह में डिग्री प्रदान की जा रही है। ग्वालियर के भगवत सहाय सभागार में शासकीय आदर्श विज्ञान विद्यालय एवं माधव सिंधिया शासकीय विद्यालय में युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं ने अपने अपने संवाद लोगों के समक्ष रखे। इस मौके पर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी एवं विधायक मुन्नालाल गोयल मौजूद रहे। मुख्य अतिथि के रूप में माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी जी हैं और अध्यक्षता माननीय जो है मुन्ना लाल जी गोयल कर रहे हैं। शासन की मंशा है कि अपनी जो शिक्षा नीति है और युवा नीति है उसके ऊपर मतलब जो है विचार किया जाए। मंत्री जी ये चाहते हैं कि मतलब इसमें क्या क्या कमियां हैं और क्या सुधार किए जा सकते हैं ताकि शिक्षा जो है और अधिक उपयोगी बन सके और जो है इस पर बच्चों के विचार लिए जाएं जो है, और द्विपक्षीय संवाद हो, इसमें मंत्री जी भी बात करेंगे, बच्चे भी बात करेंगे, इस पर कुछ मतलब जो भी चिंतन निकल के आएगा फिर नीति बनेगी जो है।
तो ये इसका उद्देश्य है कि वर्तमान में जो शिक्षा प्रणाली है, जो समस्याएं हैं शिक्षा को लेके, चाहे गुणवत्ता का सवाल हो या छात्रों के व्यक्तित्व विकास का हो, ये सारे मुद्दे हैं उसमें जिन पर चर्चा होगी जो है। इसमें पूरे ग्वालियर जिले के समस्त शासकीय महाविद्यालयों के और अशासकीय महाविद्यालयों के, अनुदानित महाविद्यालयों के छात्र हैं, एनजीओ के छात्र हैं, एनसीसी एनएसएस के सभी छात्र हैं जो है, लगभग 1200 छात्र हैं। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने भगवत सहाय सभागार में हुए युवा संवाद कार्यक्रम का विरोध कर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं का कहना है कि संवाद ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं क्षेत्रीय विधायकों को संवाद कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया, इसका हम विरोध करते हैं। आज एनएसयूआई ने इस कार्यक्रम का विरोध किया है। जब ग्वालियर चंबल संभाग युवा संवाद का कार्यक्रम रखा गया, हमारे क्षेत्र के निरात महाराज श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, युवाओं के प्रिंस होते हैं हमारे महाराज साहब। जब कोई भी केस लगता है युवाओं के ऊपर तो महाराज साहब आगे आते हैं। हमारे क्षेत्र के विधायक, चाहे मुन्ना लाल जी गोयल हों, चाहे प्रवीण पाठक जी हों, चाहे प्रद्युमन सिंह तोमर जी हों, किसी भी को इन्विटेशन नहीं दिया गया। ये किस प्रकार का युवा संवाद कर रहे हैं? मैं तो यही मांग करना चाहता हूँ यहाँ के प्रिंसिपल से और सभी उसे कि अगर इस तरीके के कार्यक्रम होंगे तो एनएसयूआई इसका विरोध करेगी और आज हम मंत्री साहब का विरोध करेंगे, कार्यक्रम का विरोध करेंगे। मुन्ना लाल गोयल जी अंदर हैं, प्रिंसिपल साहब के फ़ोन पहुँचे होंगे इसलिए मुन्ना लाल जी गोयल जी आगे होंगे, लेकिन जिस प्रकार से हमारे नेताओं का सम्मान रखना चाहिए उस प्रकार का इन लोगों ने कोई सम्मान नहीं रखा है। मैं तो बस एक मंत्री साहब से अपनी बात रखूँगा कि अगर आप इस कार्यक्रम में आए हो तो हमारे महाराज श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भी इनविटेशन देना चाहिए था प्रिंसिपल साहब। नगर निगम परिषद में कुछ दिन पहले निगम का बजट पेश किया गया था। गुरुवार को बजट को लेकर महापौर विवेक नारायण सेजवलकर को बजट संशोधन पर नगर निगम परिषद में चर्चा करनी थी। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष कृष्णराव दीक्षित का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी महापौर एवं प्रभारी सभापति की तानाशाही है कि इन्होंने नियम विरोध भाजपा ने सदन स्थगित किया और बजट पास किया। देखिए, ये बिल्कुल तानाशाही है भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की, महापौर की और सभापति की। नियम विरुद्ध इन्होंने इस परिषद को स्थगित किया और बजट पास कर लिया। हमेशा संशोधनों के बाद बजट पर चर्चा होती है, बजट पर चर्चा होनी चाहिए थी क्योंकि बजट में अभी बहुत समय है। 98 में बिल्कुल है कि बजट पर चर्चा होना चाहिए। वो अगर ऐसा लगता है सदन को तो इसको वापस भी किया जा सकता था, परंतु जब वो बहुमत से हैं तो इतने डरे हुए क्यों हैं कि सदन में बजट पर चर्चा नहीं कराई गई। कई ऐसे इसमें बिंदु हैं जो नीतिगत निर्णय भी इनको नहीं करना चाहिए था, वो भी किए हैं। इसमें पूंजीगत आय कम है, व्यय ज़्यादा बताया गया है, ये कहाँ से व्यवस्था करेंगे, इस पर चर्चा होनी चाहिए थी, परंतु इन्होंने बहुमत के आधार पर ये इस तरह से प्रस्ताव पास किए हैं, ये नियम विरुद्ध हैं, गलत हैं। नहीं नहीं, बजट पर चर्चा दो, संशोधन के बाद बजट पर चर्चा होती है, बजट पर चर्चा ही नहीं कराई इन्होंने। एक साधारण चर्चा होती है, सभी लोग चर्चा करते हैं। संशोधन जिनने लगाए, हम लोगों ने तो संशोधन नहीं लगाए ना, हम काय के लिए आए हैं यहाँ सब लोग 66, बजट पर चर्चा के लिए आए हैं। बजट पर चर्चा होना चाहिए, बजट पर चर्चा के बाद आपको अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप बहुमत के आधार पर बजट पास करें। ये तो संशोधनों के बाद बजट पर चर्चा हमेशा होती है, पर बजट पर चर्चा उन्होंने नहीं कराई, ये तानाशाहीपूर्ण रवैया है। हम इसकी मध्य प्रदेश शासन में शिकायत करेंगे, हम विधि राय लेके शासन में शिकायत करेंगे। वहीं प्रभारी सभापति का कहना है कि कुछ दिन पहले महापौर द्वारा बजट पेश किया गया था, जिसके बाद सदन के सभी सदस्यों को संशोधन के लिए 3 दिन का समय दिया गया था। उन्होंने संशोधन लगाए, उन पर चर्चा की। विरोधी पक्ष ने विपक्ष के संशोधनों को वोटिंग के बाद अमान्य कर दिया। ये चर्चा 8 विषयों पर हुई। बजट प्रस्तुत किया गया था, उसके बाद संशोधन के लिए, बजट पर संशोधन के लिए 3 दिन का समय सामान्य सदस्यों को दिया गया था। उनने जो संशोधन लगाए उस पर चर्चा हुई। चर्चा अगर विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने चर्चा में उस चीज़ को अमान्य कर दिया, तो वोटिंग के बाद में उसको अमान्य कर दिया गया। विषय को आठ विषयों पर चर्चा की गई। एक आखिरी वाला बिंदु था जिसमें होम्योपैथिक, उसमें कुछ मत बढ़ाने की बात थी, तो मैंने ये
उनको निवेदन किया था। मैंने कहा अगर इसमें थोड़ा सा एकदम तो डाइस से कह नहीं सकते, इतना से इतना कर दिया जाए, विस्तृत इसका अध्ययन करने के बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो इसको मत को बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन इसमें विपक्ष नहीं माना तो उसको भी अमान्य कर दिया गया। और अब हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहिए इंडिया खबर लाइव के साथ।